मेरा पिगी बैंक तोड़ दिया। ये पिगी बैंक टूट चुका है, इसके टुकड़े टुकड़े। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपने यार पिछले व्लॉग में देखा था कि मेरा बेड काफी हद तक सेट मतलब हो गया था, मतलब ढांचा खड़ा हो गया था मेन में। पर यार आज हमें एक घंटा हो गया सुबह से लगे हुए, हम सुबह से लगे हुए हैं और हमने ये बना दिया। ये देख लो, फाइनल स्टेप चल रहा है ये लगाने का। इतनी मेहनत लगी हमें, ऑलमोस्ट ये करने में 2 घंटे लग गए। हमने ये पूरा अंदर सेट किया, जब ये लगा रहे हैं इस पे, ये ऐसे करके लगते हैं यहाँ पे, ये ऐसे करके इस पे लगते हैं, उसके बाद इसे उठा के यहाँ पे रख के ठोकना है इसे ऐसे, बस ये हो। ये सारे बस ये 2 रह गए। ये लगाने के बाद क्या करना है? ये लगाने के बाद गद्दा लेने जाना है। क्योंकि भाई ऐसे इस पे तो सो नहीं सकता सिर्फ लकड़ों पे। एक गाइस ये बेड पूरा बनाने में इतना सा खलारा देखना पूरे कमरे में, ये पूरा हो। जाने से पहले खलारा भी उठा रहे हैं हम पूरा, ताकि गंदा ना लगे घर। ये सारा सामान ट्रैश करने जा रहे हैं, मेरे हाथ में भी इतना सारा काफी है, गत्ते ही गत्ते। ये भी फेंक दो, ये देखो कितना सामान था यार इसमें, आराम से बहुत सारा सामान था यार। पर अभी मेरा कमरा खाली हो चुका है, बेड सेट हो चुका है, बस गद्दा लाना है मेरे बेड के लिए। इनका तो तैयार है, पर इनका गद्दा ये बाद में लाएंगे, मेरा भी लेने जा रहे हैं। हमारा थोड़ा सा गाइस गद्दे लेने का प्लान शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं यार कि मतलब ना मैंने अपने लिए काम ढूंढ लिया। 10 दिन हो गए मुझे आए हुए, आज 11वां दिन है और मुझे काम मिल चुका है। मुझे काम मिला सब्वे पे, पर यार मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, फ़ोन चलाना ही वहाँ पे अलाउड नहीं है सबसे पहली बात। तो भी यार मेरा 12 बजे काम था, 12 से 3, तो भी 12 बज चुके हैं। दीदी मुझे बाहर लेने गेट पर खड़ी है, मैं काम पर जा रहा हूँ अभी। गद्दे हम आके लेने जाएंगे फिर उसके बाद। हाँ जी दीदी जी, चलिए होने दो ना, बड़ी जल्दी आ रही है। गाइस उसने मुझे देख लो पूरा लेट कर दिया, मुझे 12 बजे बुलाया था, 12:10 हो रहे हैं गाइस, पर इसने मुझे फिर भी लेट कर दिया। मैंने इसे कहा था पूरा 12 बजे आई, अभी टाइम नहीं है यार, अभी टाइम नहीं है। गाइस वैसे मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया, पर यार पता नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, क्योंकि अभी काम करना है, काम पे आज मेरा पहला ही दिन है। अभी ट्रेनिंग चल रही है मेरी, 3-4 दिन चलेगी मेरी ट्रेनिंग। अभी क्या बात है, दाल वाली परोंठी है गाइस, इसमें दही भी फेंका लग रहा है मुझे, इसमें दही भी डाल के लाई है, पनीर डाला है। अच्छा पनीर है, मुझे लगा गाइस दही है इसमें। जल्दी से खाता हूँ यार इसके बाद, क्योंकि फिर मुझे 3 बजे के बाद ही खाने को मिलेगा गाइस। वैसे मुझे इससे ऐसी रोटी की उम्मीद थी तो नहीं, पर कहना पड़ रहा है कि हाँ रोटी इसमें स्वाद बनाई है, अच्छी बनाई है आज पहली बार। वैसे तो इंडिया में मैंने इसके आज की रोटी खाई है, पर ये दाल वाली परोंठी पहली बार खा रहा हूँ। स्वाद में 4 भी है आम का, दूसरे दिन है काम पे, मुझे लेट नहीं होना चाहता आज। ओके दीदी बाय। गाइस चलते हैं, पहुंच चुके यार काम वाली जगह पे। ओके ये है मेरे काम वाली जगह, ये है सब भाई, यहाँ पे करता हूँ। 3 घंटे के काम के बाद गाइस घर आ चुका हूँ यार मैं। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ऊपर है दोनों, क्या खलारा डाल रखा है इन्होंने। कहाँ पे हो, क्या हुआ, ऊपर हवा की करते हुए दोनों गर्ल जी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरा पिगी बैंक तोड़ दिया। गाइस बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ये पिगी बैंक टूट चुका है, ये देखो इसके टुकड़े टुकड़े, ये चकना चूर हो चुका है पिगी बैंक, वो देखो पूरा वहाँ पे खिलारे डल चुके हैं। फिट करते हैं गाइस स्टैची, देखो ऊपर कैसे फंसा फंसा के अटकाए हैं यहाँ पे। शूज भी लाते हैं ऐसे लाते, पता नहीं गाइस कैसे लगाए होंगे इन्होंने। ओ हो 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 हो, क्या बात है गाइस, ये सारे मेरे शूज हैं। ओ क्या बात है, ये इनके ऊपर पूरे 3 में हमारे यहाँ गाइस, ये देना एक पतली सी लाइन मेरी, ये 2-2 ऊपर चढ़ा के रखे हुए इनके सारे। बहुत कम है हमारे लिए। अच्छा अच्छा ठीक है होगी। यहाँ पे गाइस छोटी छोटी चीज गार्बेज करने जाना पड़ता है साथ में, जैसे ही कोई सामान हुआ फिर गार्बेज करने जाओ। ये देखो इसमें सुबह भी है, ये भी हम भी फेंक के गए थे सुबह। बस होगी, बस
सही बात है, दो बार में बेड खोलना पड़ा गाइस। की बनाया फिर? परौंठियां। क्या बात है, इनको कोई मतलब ही नहीं है, अकेले अकेले खाने में लगे हुए हैं ये। तूने खाया? नहीं खाया, इसने भी नहीं खाया। मतलब सिर्फ मैंने ही खाया अभी तक। वो तो मैं राजा हूँ तो यार मेरी सेवा करो थोड़ी सी, लाओ रोटी वगैरह सामने लाओ, मेरे खाता हूँ फिर मैं। ना तेरे वहाँ अंदर का यार रोटी। दिल की शेप की रोटी बनाई है। ये तो ठीक ठाक ही है। ये ज्यादा अच्छी है दिल वाली, साथ में चाय। यार मैं 2 घंटे सो गया था उसके बाद। यार अब हम जा रहे हैं गद्दे लेने, मैं भूल ही गया था गद्दे भी लेने जा रहे हैं, तब मैं सो गया, अभी जा रहे हैं गद्दे लेने। पहला स्टॉप टारगेट, देखते हैं गाइस यहाँ से क्या पता मिल जाए। सिमरन दीदी कह रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए यार। गाइस यहाँ पे तकिए, बेड शीट वगैरह सब कुछ है, कंबल वगैरह। ये रे, ये तकिया है। इतना बड़ा? ओहो, सही है सही है। इसके लिए ले रहे हो? के लिए? अपने घर के लिए ले लो फिर, ठीक है। ये वाली शेप ले लो, ये ज्यादा अच्छी शेप। हाँ ये शेप 50 का, बस फ्री है, ठीक है चलो। गाइस अब फ्रेम्स देखो, यहाँ पे फ्रेम्स ही फ्रेम्स, यहाँ पे घड़ियाँ लगी हैं काफी सारी। कितनी बड़ी हो ये घड़ी, पर जो हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा। मेन गद्दा नहीं मिल रहा गाइस, प्लीज हेल्प अस। सारी कैंडल सा देखना, मुझे लग रहा था तेरी क्या पड़ा है, मुझे लगा था ये कप है दूर से। ये भी कैंडल है, सारी खुशबू वाली कैंडल सा, अलग अलग स्मेल वाली। गाइज हमने यहाँ से सिर्फ यही लिया एक डस्टबिन, बाकी अब हम जा रहे हैं वॉलमार्ट, क्योंकि यार हमने काफ़ी देर यहाँ पे मतलब ढूंढा, हमें मिला नहीं। फिर हमने एक एम्प्लॉय से पूछा, उनके वो कहते हैं हम बेचते ही नहीं है मैट्रेस इतने बड़े साइज का। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हम जा रहे हैं वॉलमार्ट। मैं तो यार ये सोच रहा था कि यहाँ पे गर्मी में ही मतलब इतनी गर्मी नहीं पड़ती, अभी शाम हो चुकी है तो देख लो यहाँ पे ठंड हो चुकी है, बाहर ठंड लग रही है अभी इस वक्त, तो ठंड में यहाँ पे क्या हाल होगा। ठंड में वॉलमार्ट का भी क्या पता गाइस, यहाँ से मिले ना मिले, हम तो ट्राई मारने आए हैं। यहाँ पे है कि नहीं? मुझे गाइस ये लग रहा है ये इतनी बड़ी स्टोर होने का क्या फायदा, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी नहीं है। देखो वहाँ वैसे कितना कुछ पड़ा है, कुशन्स पिलोस, पर हमारे चीज नहीं है यहाँ पे। पहले मुझे लगा यार हमें गद्दा मिल गया, ये तो हवा वाला, पर गाइस ये देखो ट्रैश ट्रैश बैग्स बहुत सारे, ये एक छोटा भी। ओके ओके ओके, छोटे हैं। ट्रॉली तो यार इतनी बड़ी ली थी, पर यही दो चीजें मिली हमें, ट्रैश बैग, बाकी गद्दे तो मिले ही नहीं हमें। अब ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़ेंगे शायद, है ना? हाँ। ये देखो ऑनलाइन देखने भी शुरू कर दिए। आज गाइस पहली बार हमने सेल्फ चेकआउट किया, यहाँ पे स्कैन करना होता है और यहाँ पे नाम आ जाते हैं। ये देखो 2 GB बैग, 3.2 और 14.5 ग्राम अमाउंट आ चुकी है सामने, बस अब पे करना है यहाँ पे रुपीस। पेमेंट डन हो चुकी है, देखो बाकी कैश वापस और डन। जो यार मेन लेने गए थे मैट्रेस वो तो मिले ही नहीं यार, गद्दे मिले ही नहीं। जो नहीं लेने गए थे डस्टबिन का, तो वहाँ पहुँच के याद आ गया यार घर के लिए लेना, वो ले लिया हमने, मैट्रेस मिले नहीं। तो अब या तो हम कल कोस्को जाने वाले हैं, कोस्को से देखेंगे, अगर नहीं वहाँ से भी नहीं मिला तो फिर हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, फिर टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हम। स्मरण दीदी क्या बना रहे हो? गाइस बेसन का चिल्ला बन रहा है यहाँ पे। कोई नहीं इतना चलता है, बेसन का चिल्ला बन रहा है यहाँ पे, ये बैटर पड़ा इसका तैयार। कितनी देर पकाना है? पूरे 2 मिनट। 2 मिनट तो गाइस खा के देखते हैं कैसा बनता है यार। चिल्ला बन गया, हमारी प्लेट में आ चुका है और हमारे पास दोनों वैरायटी की सॉस है, ग्रीन चिली सॉस भी है, टमाटो केचप भी है। ये रह गए, डाल दो डाल दो। डेकोरेशन गाइस, डेकोरेशन गाइस, चिल्ला है एक नंबर, मैंने अभी खा के देखा, एक नंबर, बिल्कुल मस्त। गैस इंडिया में मुझे भी बहुत शौक था चिल्ला बनाने का, पर बेसन का चिल्ला लाइफ में पहली बार खा रहा हूँ। मैंने इंडिया में बनाया है, सूजी का बनाया मैंने, बेसन का भी काफी स्वाद बनता है यार। और ये इसमें पनीर है तो हेल्दी भी है ये बहुत।